नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे देश भारत में हर रिश्ते के लिए एक त्योहार है और भाई बहन के लिए तो कई त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है खिड़िया के नाम से प्रचलित रुद्र व्रत को ज्यादातर लड़कियां ही करती हैं। इस व्रत के माध्यम से अपने भाइयों की खुशहाली, लंबी उम्र, सुख समृद्धि की कामना करती हैं। अन्य व्रत एक या दो दिन में समाप्त हो जाते हैं, परंतु पीड़िया के ही व्रत की यह विशेषता है कि यह पूरे एक मास तक चलता रहता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से यह व्रत प्रारंभ होता है और अगहन शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त होता है। इस प्रकार यह पूर्ण एक मास तक रहता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोधन की जो गोबर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है, उसी गोबर में से थोड़ा सा अंश लेकर कुंवारी लड़कियां पीड़िया लगाती हैं। गोबर के छोटे छोटे पिंड को ही पीड़िया कहा जाता है। घर की भीतरी दीवार पर गोबर की छोटी छोटी सैकड़ों पीड़िया मनुष्य की आवृत्ति की बनाई जाती है। इसके साथ ही उनकी दीवारों पर आटे के द्वारा चित्र भी किया जाता है। इन छोटी छोटी पीड़िया को दीवार पर चिपका दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पिंडिया लगाना कहते हैं। दीवारों पर गोबर की जो आकृति बनाई जाती है वह पिंड के समान गोली गोली होती है। इसी कारण इस व्रत का नाम कदाचित पीड़िया पड़ गया। यह व्रत बहनों के द्वारा अपने भाई की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे केवल कुंवारी कन्याएं ही संपादित करती हैं। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके घर की किसी बूढ़ी स्त्री से पीड़िया का कथा सुनती हैं। वे बिना कथा सुने अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। यदि किसी दिन किसी लड़की ने गलती से भोजन कर लिया तो दूसरे दिन उसका प्रायश्चित करना पड़ता है और अगले दिन वो पीड़िया की कथा सुनकर ही भोजन करती है। यही क्रम पूरे एक मास तक चलता है। अगहन शुक्ल प्रतिपदा को पीड़िया की समाप्ति होती है। इस दिन लड़कियां नए चावल और नए गुड़ से बनी हुई खीर खाती हैं, जिसे गांव में रसियाव कहा जाता है। इस समय वे अपने कानों में रोई रख लेती हैं, जिससे भोजन करते समय कोई शब्द सुनाई न पड़े। भोजन के समय यदि कोई शब्द सुनाई पड़ गया तो वे भोजन करना छोड़ देती हैं। पीड़िया का व्रत बहनों के द्वारा अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। अब मैं आप लोगों को पीड़िया की छोटी कहानी सुनाने जा रही हूँ। पीड़िया की छोटी कहानी। एक राजा अपनी रानी के साथ महल में रहते थे। रानी एक सर्प के साथ फंसी हुई थी, इसलिए एक बार रानी और सर्प ने राजा को मारने के लिए षड्यंत्र रचा। सर्प राजा के जूते में घुस जाएगा और जब राजा उस जूते में अपना पैर डालेंगे तो सर्प उसे काट लेगा। उसके बाद सर्प और रानी हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। षड्यंत्र के अनुसार सर्प राजा के जूते में जाकर बैठ गया। जब राजा जूता पहनने लगे तो उन्होंने जूते को झारा, जिसकी वजह से सर्प धरती पर गिर गया। राजा और उसके मंत्री ने सर्प को देखा और उसी समय सर्प को मार दिया गया। जब राजा अपनी रानी से मिले तो उन्होंने सारी घटना रानी को सुनाया। यह सुनकर रानी बहुत दुखी हुई और सर्प को मारकर कहाँ फेंका है उसका पता पूछी। राजा ने बताया कि महल के पीछे एक बरगद के पेड़ पर उस सर्प को का शव लटका हुआ है। रानी तुरंत वहां गई और सर्प के शव को देखकर राजा से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। रानी सर्प के शव को महल में वापस ले आई और उसके साथ टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों में से एक टुकड़े को अपने जूड़े के अंदर, दूसरे को अपने वस्त्र में एक दिया के नीचे और चार पलंग के पायों के नीचे छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद रानी ने राजा से एक पहेली बूझने को कहा। राजा मान गया और रानी ने वचन लिया कि अगर राजा उस पहेली का सही उत्तर दे दिए तो वे जीवित रहेंगे और रानी खुद आग में जलकर अपने प्राण त्याग देगी, परंतु यदि राजा ने उत्तर नहीं दिया तो राजा स्वयं अपने प्राण त्याग देंगे। पहेली सुनकर राजा असमंजस में फंस गए और सोचे कि अगर वो उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें आग में जलकर मरना होगा। बहुत देर तक वो सोचते रहे, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया। बहुत सोचकर राजा ने रानी से थोड़ा वक्त मांगा ताकि वो अपनी बहन से एक बार मिल सके। रानी उनकी बात को मान ली। राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। भाई को देख बहन ने उनके अचानक आने का कारण पूछा।
तब भाई ने बताया कि रानी ने एक पहेली बुझाया है और अगर वो पहेली का उत्तर नहीं दे सके तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर बहन ने भाई से पहेली पूछा। पहेली था, एक जूड़ा एक फुरहुरा, कुछ घाटी और एक बाती। पहेली सुनकर बहन उत्तर सोचने लगी, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। बहन भाई को इस अवस्था में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए बहन भी भाई के साथ चल दी और कहा, अगर वो दोनों उत्तर नहीं दे पाए तो दोनों ही आग में जलकर मर जाएंगे। दोनों भाई बहन महल की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम करने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे लेट गए। भाई बहुत थका हुआ था तो तुरंत ही सो गया, लेकिन बहन सिर्फ उस पहेली के बारे में सोच रही थी। तभी उसे आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक चकवा और चकैया का जोड़ा आपस में बातें कर रहे थे। चकवा ने चकैया से कहा, अब राजा का क्या होगा? अगर वो रानी के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकेंगे तो उन्हें आग में जलकर मरना ही होगा। चकैया रानी की पहेली समझ गई थी, क्योंकि वो महल में रानी के व्यवहार को देख रही थी। इसलिए चकैया ने भी दुखी होकर बोला, राजा की पहेली का उत्तर खोजना ही पड़ेगा। तभी चकैया ने उस पहेली का उत्तर चकवा को बताया। रानी ने एक मरे सर्प को 7 टुकड़े करके 7 जगह छुपा दिया, एक अपने जूड़े में, एक अपने वस्त्र में, 4 पलंग के पहों में और आखिरी दिया के नीचे। वही 7 जगह राजा को बताना है। यह सब सुनकर बहन सारी बात समझ गई और कुछ देर बाद दोनों महल की ओर निकल पड़े। जब दोनों महल पहुंचते हैं तो बहन अपनी भाभी से पहली दोहराने को कहती है। पहली के अनुसार बहन पहले रानी का जूड़ा खोलती है जिसमें सर्प का एक टुकड़ा गिरता है। फिर बहन ने रानी के वस्त्र को जोर से खींचा और उसमें से एक और टुकड़ा गिरा। बहन उसके बाद पलंग खिंचवाती है और 4 पाओं के नीचे से सर्प के शरीर का 4 भाग मिल जाता है। आखिरी में उनके पलंग के बगल के दीपक को उठाती है और वहां से एक टुकड़ा मिलता है। इस तरह बहन ने पहेली का सही उत्तर देकर अपने भाई को बचा लेती है और आखिरी में रानी को अपना प्राण त्यागना पड़ता है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।